दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें लफ्ज हाथ के लिए 5 वर्ष की सजा होगी और जो इस पूरी प्रक्रिया में सहयोगी की मुद्रा में होगा या भूमिका में होगा उसको भी 5 साल की सजा दी जाएगी। अब इसको कोई सरकार अगर ऐसा कानून बना देती है, कल्पना कीजिए, तो इसकी व्याख्या जो चाहे जैसे कर सकता है, क्योंकि लफ्ज हाथ कोई प्रक्रिया ही नहीं है। लफ्ज हाथ भारतीय समाज में या भारतीय जो संविधान है उसकी रोशनी में ये कोई अपराध ही नहीं है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदुत्वा विंग यानी जो राइट विंग भारत के हिंदुत्ववादी अपने को कहने वाले लोग हैं, दरअसल उनका तलाशा हुआ एक शब्द है। इसकी कोई वैधता नहीं है संवैधानिक। अगर आप इसको कानून की शक्ल देते हैं तो भी इसको भारत के संविधान की 2 धाराएं यानी 2 अनुच्छेद 2 आर्टिकल उनसे टकराना होगा और वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 21, 25। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी धर्म को मानने न मानने की आजादी है। तो ऐसी स्थिति में और 21 के तहत लोगों को अपने निजी मामलों में अधिकार हैं अपने फैसले करने के, ये आप किसी को भी नहीं बता सकते कि वो किस धर्म में किस जाति में किस बिरादरी में शादी करे या न करे, ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। हमने देखा हादिया केस में क्या हुआ, वो तो एक बहुत ही मशहूर केस है। तो दोस्तों लेकिन आज संवैधानिक प्रावधानों की केवल बात नहीं कर रहे हैं, हम ये आज बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार हो, या शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार हो जिसके गृह मंत्री ने यह बात कही है, इन सभी सरकारों ने लफ्ज हाथ पर कानून लाने की बात कही है और बड़ी तेजी से बड़े जोर शोर से इन दिनों इसकी चर्चा पिछले 2 दिन से छिड़ी हुई है। अब क्यों अचानक छिड़ गई ये भी एक रहस्य है, लेकिन इसको समझा जा सकता है। कर्नाटक में भी कहा गया है, वहां भी कुछ मंत्रियों ने कहा कि वहां भी कोई कानून लाने की बात चल सकती है या हो सकता है, संकेत दिया गया। तो मान लो 4 सरकारों ने यह, दरअसल इसलिए भी इस समय हो रहा है कि बंगाल के इलेक्शंस को ध्यान में रखकर एजेंडा तलाशा जा रहा है कि किस तरह के इश्यूज बंगाल के काम आएंगे, तो टेलीविजन चैनलों के जरिए टीवी पुरम के जरिए इनको पूरे देश में एजेंडा के तौर पे सेट किया जाए और लोगों के दिमागों में भरा जाए। तो ये इसके पीछे असल कहानी है। लेकिन मैं दोस्तों ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर कोई हिंदुत्व भी चीज है, जैसे हिंदू धर्म को ये लोग हिंदुत्व कहते हैं, हम लोग गांव के लोग कस्बे के लोग शहर के लोग इसको हिंदू धर्म कहते आए हैं, तो लेकिन अगर हिंदू धर्म खतरे में है किसी कथित लफ्ज हाथ के नाम पर, कथित लफ्ज हाथ, क्योंकि भारत में लफ्ज हाथ के जो आंकड़े हैं कोई देखे तो जातीय हिंसा से तो माने पासंग भी नहीं है। जो भारत में जातीय हिंसा है, सांप्रदायिक हिंसा है, उसके अगर तुलना में देखा जाए तो धर्म यानी इंटरफेथ मैरिजेस को अगर ये लोग लफ्ज हाथ कहते हैं, हालांकि ये लफ्ज हाथ बड़ा विचित्र शब्द है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप अंतर धर्मीय शादी को अगर केवल लफ्ज हाथ कहना चाहते हैं तो संख्या उनकी क्या है, और उसमें भी जो दोनों तरफ से संतुष्टि की शादियां हों उनको आप नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई विद्रोह किया गया है, कोई शरारत की गई है, कोई बदमाशी की गई है, तो ऐसी शादियों की कितनी संख्या है। तो मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि जातिगत हिंसा सांप्रदायिक हिंसा के मुकाबले ये आपका कथित जिहाद की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं नगण्य हैं, गिनी नहीं जा सकती हैं, इतनी कम है। फिर दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आप समझते हैं कि आप लव जिहाद नाम का जो तथा कथित शब्द जो आपने गढ़ा है, आपको लगता है कि इससे आपके हिंदुत्व को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, तो मैं ये कहूंगा कि आपके देश में ये कथित लफ्ज जिहाद की घटनाएं कितनी हैं, कथित लफ्ज जिहाद, क्योंकि आप इंटरफेथ मैरिजेस को अगर लफ्ज जिहाद बोल रहे हो और उसमें भी ऐसी मैरिजेस को बोल रहे हो जिसमें कोई ऐसी घटना घटती है जो दोनों तरफ से
मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। ऐसी घटनाएं कितनी होती है, और ऐसी घटनाएं जो होती हैं क्या उनको टैकल करने के लिए अपने देश में कानून नहीं है? आईपीसी, सीआरपीसी, हमारे देश के जितने कानून हैं वो उनको टैकल करने के लिए बराबर है, पर्याप्त है। फिर एक कानून क्यों? अगर आपको लगता है कि आपका हिंदुत्व, आपका हिंदू धर्म, आप तो उसको हिंदुत्व कहते हैं, हमारे देश में लोग उसको हिंदू धर्म कहते हैं, अगर हिंदू धर्म वाकई उन चीजों से खतरे में है, तो आप अगर उन आंकड़ों को देखिए जो अपने देश में दूसरे कारणों से हैं, दूसरी बड़ी समस्याओं के कारण है, वो है जातपात, वो है वर्ण व्यवस्था, सड़ी हुई वर्ण व्यवस्था, उसमें कितनी सनाद है, कितनी समस्याएं देश में पैदा होती हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए अपने देश में गृह मंत्रालय के, उठाकर जो तमाम जो आंकड़े आते हैं, इन आंकड़ों से भी लगता है, एनसीआरबी को उठा लीजिए, किसी आंकड़े को उठा लीजिए, कि जातपात वगैरह जो सांप्रदायिक जो तनाव है, इन चीजों से बहुत सारी समस्याएं अपने देश में पैदा होती हैं। आप उनके लिए क्यों नहीं कानून लाते? आप इतनी छोटी चीज के लिए लाते हैं कानून, जिसमें कि बहुत कम लोगों की संख्या है, दो चार कभी कोई घटना दिख जाती है, और उनको टैकल करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए कानून ऑलरेडी हमारे देश में मौजूद है, लेकिन जो बृहत्तर, जो बड़ी समस्या है, उस पर आप कानून नहीं लाते। क्यों नहीं एक कानून लाया जा सकता है कि भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए या हिंदू धर्म को और सुंदर बनाने के लिए हम वर्ण व्यवस्था को डिमोलिश करते हैं, एबॉलिश करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसके लिए कानून लाइए। बहुत कांग्रेस रिजीम इतने साल रही, वो नहीं ला सकी, और इस देश में संविधान को बनाने वालों की जो टीम थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, आपकी पूरी पार्टी, आपकी पूरी सरकार और भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी लगभग उनको महान संविधानविद मानती हैं, महान नेता मानती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बार बार कहा कि भारत में अगर हिंदू धर्म को वाकई अच्छा बनाना है, अगर अपने देश को ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि जातियों का विनाश किया जाए, एबॉलिश की जाए जातियां, वर्ण व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो महाराज, ये चार सरकारों को चलाने वाले लोग, सबसे मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, और आपके दर्शन और विचारधारा को जो लोग गाइडलाइन गाइड करने वाले लोग हैं, उनसे भी कह रहा हूं कि आप भारत में हिंदुत्व अगर खतरे में है, अगर भारत में हिंदू धर्म को ज्यादा आपको सुंदर बनाना है, ज्यादा बेहतर बनाना है देश के लिए, तो आप जातियों के विनाश के लिए क्यों नहीं, जातियों के खात्मे के लिए क्यों नहीं कानून लाते हैं? और यही नहीं, मैं तो कहता हूं आप इस बात को लेकर कानून लाइए कि जो सांप्रदायिक जो तनाव होंगे, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो अपने देश को बदशक्ल बनाते हैं, जो हिंदू धर्म को या दूसरे धर्मों के बीच में जो तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, सबके लिए कानून लाइए कि उनके लिए क्या, उस पर कार्रवाई क्या की जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रायोरिटीज हैं अपने सरकार की, अपने चार पांच सरकारें जो कह रही हैं, ये डाइवर्टेड हैं, ये भटकी हुई हैं, और हो सकता है कि इसके पीछे कहानी ये हो, इस समय जो टीवी पुरम पर अचानक चैनलों पर इतना ये लव जिहाद दिखाया जाने लगा है, जिसके लिए ऑलरेडी अपने देश में आईपीसी सीआरपीसी के तहत अगर कोई बदमाशी करता है, शरारत करता है किसी भी लड़की के साथ, किसी भी कोई भी हो, तो उसके लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि कहीं बंगाल के चुनाव के लिए तो ये सारा एजेंडा सेट नहीं किया जा रहा है टेलीविजन चैनलों के जरिए, ताकि लोग उसी तरह से सोचना शुरू कर दें। तो हम बिल्कुल अंत में यही कहना चाहते हैं कि आपका अगर इरादा, आपकी अगर इच्छा, आपकी अगर मंशा वाकई हिंदुत्व के पक्ष में है, वाकई हिंदू धर्म के आप पुजारी हैं और पक्षधर हैं, तो भैया आप क्यों नहीं हिंदू धर्म को एक ऐसा धर्म बनाइए जैसा दुनिया के कई और धर्म है, जिसमें जात पात नहीं है, जिसमें इतना वर्ण विभाजन नहीं है, आप सबको एक बराबर कर दीजिए और जातियों को खत्म कर दीजिए, यही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, और पुजारी भी किसी एक बिरादरी का ना हो, हर बिरादरी का योग्य व्यक्ति जो 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 कर्मकांड जानता है उसको आप पुजारी बना दीजिए। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म बहुत सुंदर बनेगा। मुझे लगता है चार सरकारों को इस पर जरूर गंभीर विचार करना चाहिए, और उनको दिशा निर्देश देने वाले लोगों को भी। बस इतना ही आज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।